मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि जो हमारे 16 पंचायतें हैं और 16 पंचायतों में कोई बैंक बनाई नहीं है, कोई एटीएम नहीं है, कि डीसी साहब पहुंच, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और एसडीएम साहब मेंढर, तहसीलदार मेंढर, कि क्यों हमारा आज दिन तक बैंक ब्रांच बोलते हैं कि छतराल में आई है, कोई बैंक ब्रांच इधर ना खोली किसी ने ना कुछ। तो 16 पंचायतें हैं, हमारे को बैंक ब्रांच चाहिए और गवर्नमेंट से हम डीसी साहब से भी अपील करते हैं कि हमारे को बैंक ब्रांच दी जाए छतराल में। और 16 पंचायतें हैं, 16 पंचायतों में कोई एक एटीएम भी नहीं है हमारे पास और ना कोई बैंक की ब्रांच है, और कम अज कम हमारे पास 20-25 स्कूल हैं, 25 स्कूल हैं और 25 पंचायतें हैं, कोई हमारे लिए कोई सहायता नहीं है। क्या गवर्नमेंट के हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम जम्मू कश्मीर के नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों गवर्नमेंट हमारे तवज्जो नहीं देती है, क्यों नहीं करती है हमारा ये, हमारे बच्चे जाते हैं सखी मैदान उधर जब 20 रुपए खर्च हैं वो 40 खर्च करते हैं, क्यों करते हैं खर्च 40 करते हैं। अगर बैंक ब्रांच हमारी जा छतराल निरोल में हो, क्यों नहीं हो, होनी चाहिए। डीसी साहब को हम दोबारा अपील करते हैं कि ये बैंक ब्रांच हमारी छतराल में और एटीएम खुलना चाहिए, और हम डीसी साहब के भी शुक्रगुजार हैं और इस पूरे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के भी और बैंक वालों के भी शुक्रगुजार हैं। अगर बैंक वाले हमारे को बैंक ब्रांच देते हैं तो हम इनके शुक्रगुजार हैं, नहीं तो हम डीसी साहब पहुंच अपील करते हैं कि हम 3 साल से 4 साल से हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मगर कोई सहायता नहीं हमारे को मिल रही, क्यों नहीं मिल रही। हमारे बच्चे दर पदर हो रहे हैं, कहीं बच्चे जाते हैं उधर अपना फंड लेने के लिए तो उनसे उधर किराया कहाँ से गरीब बच्चे का होगा, कोई किराया नहीं देता है, कोई दूसरा किसी की जगह नहीं करता है। अगर गवर्नमेंट हमारी तवज्जो नहीं देती है, कौन देगा। मैं इसी बात पर खत्म करना चाहता हूँ।